आया था मुझे राजीव गांधी को। मुझे तो बस ये पता है गांधी जी को नाथूराम गौड़ ने मारा था, वो गौड़ खुद ही को ले लेते हैं। यहाँ पे मम्मी हमारा किचन में क्या बना रही है? चाय बना रही हूँ। चाय बना रही है और तुम बच्चों को लट्टी लेके भगाया ना अंग्रेजों को? ये भगाए, ये भगाए। यहाँ हमारी मैगी बन रही है, भाई लोग बैठे हैं सब लोगों के लिए। हाँ ले लिया, उनको वीडियो में कैप्चर कर लिया। नहीं, क्या भाई? और ये मम्मी यहाँ पे रोटी गूंथते हुए, आज मम्मी का कहना है कि आटा गूंथते हुए, और मम्मी का कहना है आज कि हम मैगी में ही रोटी खाएंगे क्योंकि मम्मी को जल्दी है अभी पांडव नृत्य देखने की। तो मम्मी कह रही मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि दिन का भात भी पड़ा हुआ है ना मम्मी, दिन का कड़ी चावल। और यहाँ मम्मी अपने फोन में फोटो वीडियो देखते हुए, पता नहीं आज आधे घंटे से रखी हुई है मैंने ये मैगी, अरे जी पकी नहीं रही है, पता नहीं इतनी क्वांटिटी में सब की स्पेलिंग होगी मैं SAB सब इतनी देर से रखी हुई है मैंने, करीबन आधे घंटे से, लेकिन ये पकी नहीं रही है मैगी। शायद ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आज पहली बार कभी इतना बनाया नहीं है मैंने, सो इसीलिए ये नहीं पक रही है। जिसको और चाहिए होगा बताना है। अरे हम खाते रहेंगे, हमारे घर में चम्मच नहीं है तो आप भैया को देख सकते हो। भैया किससे बनाई है चम्मच? अच्छा रोटी से चम्मच मनीष भैया को, जब एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर से मिलता है तो कैसा लगता है? शब्द नहीं है मुझे। मेरी बहन ने इतना अच्छा मैगी बनाई है, मेरे को शब्द ही नहीं है। मैगी में पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया है, होना चाहिए। खाओ खाओ मेरे बच्चे, लो रोटी। और इसके पास आप देख सकते हैं चम्मच नहीं है तो करछी से खा रहा है। तेरे पास है ना चम्मच? एक कड़ी भात में खाओगे? और अभी इतनी मैगी बची है।